नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के बारे में आप सब जानते ही हैं। अनुवांशिकी या अनुवांशिक वे गुण है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को दर्शाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की क्लास अभी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, इसलिए आपकी क्लास बीच में बंद की गई थी। अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है, अब आपकी क्लास रेगुलर की जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट के पास क्लास पहुंच जाए और वो उस क्लास का फायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा और यहां पर उनके हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, चल जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जीन। यहां पर खाली स्थान दिया गया है कि गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो किसके ये करते हैं, हार्मोन्स, हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से। ठीक है, जीन क्या है, जीन अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यही इनके द्वारा ही आपके अनुवांशिक गुणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि एक प्रैक्टिस क्लास है तो हम तेजी से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी के पौधे के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, किसके द्वारा हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। किस तरह का, इस तरह से होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, इस तरह से होता है डीएनए की संरचना, याद रहेगी। और इसी के ऊपर आपके क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबे पौधे कैपिटल टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है। देखो यहां पर एक टर्म दिया संकरण, संकरण क्या होता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, संकरण क्या होता है, फर्टिलाइजर। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी पर निर्भर करती है या कैपिटल टी पर द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मेरी साइड से बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग में खाली स्थान दिया गया है, पूछा है में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, यानी कि किस में एक लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म मौजूद होता है, किस में होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस में होता है। देखो गुणसूत्र की बात करूं मैं अगर, तो गुणसूत्र अगर मानव में बात की जाए, मनुष्य में बात की जाए, तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 तो समान होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, 22 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी मेल में और 22 जोड़ी फीमेल में, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 23वां जोड़ा है आपका, वो दोनों में अलग होता है, मेल में होता है XY और महिला, सॉरी मादा में होता है या महिला में होता है XX। ठीक है, मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, जो फीमेल का जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, वो पूर्ण होता है बिल्कुल।
ठीक है, वो पूर्ण होता है, लेकिन जो मेल का गुणसूत्र होता है वाई गुणसूत्र, वो छोटा गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक्स तो पूर्ण होता है लेकिन वाई छोटा होता है, और महिला में क्या है, महिला में दोनों एक्स है, यानी कि वे पूर्ण गुणसूत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव मादा, मानव मादाओं में पूर्ण गुणसूत्र का युग्म होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एक्स 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 एक्स, और मानव नरों में कौन से होते हैं, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई, ये जो वाई है, ये छोटा गुणसूत्र होता है। ठीक है, और जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण करता है ना, वो ये करता है मानव का गुणसूत्र। ठीक है, 23वां जोड़ा, और इसी को क्या बोलते हैं, एलोजोम। इस 23वें जोड़े को, मानव नर का जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, एलोजोम। और जो 22 जोड़े होते हैं कॉमन, उनको बोलते हैं ऑटोजोम। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, अभी मैंने बताया था, जबकि जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिकाओं में देखो, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं 23। 23 कैसे होते हैं, देखो किसी भी मनुष्य में, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, सब में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। लेकिन अगर होने वाले बच्चे में 46 के 46 इधर से ट्रांसफर हो गए और 40 के 40 इधर ट्रांसफर हो गए, तो बच्चे में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन क्या होता है, 46 में से जो ये जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं, आपको पता है, तो हर पेयर में से एक एक गुणसूत्र ट्रांसफर होता है, तो कितने ट्रांसफर होते हैं, 23 गुणसूत्र। तो तभी बोला जाता है कि जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 इधर से आए मेल से, 23 आते हैं फीमेल से। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र, 23। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। पहला क्या है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये डीएनए के खंड है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल इसमें रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है, डीएनए के खंड होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। शुक्राणु, शुक्राणु किसके होते हैं, मेल के, मेल के होते हैं शुक्राणु, और फीमेल के होते हैं अंडाणु। शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म और अंडाणु को बोलते हैं ओवा या ओवम। ठीक है, तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग निर्धारण किया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। ठीक है, याद रहेगा। और जो लिंग, जो गुणसूत्र निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलोजोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने के लिए मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। अच्छा, किसी व्यक्ति की अगर सफलता का मुख्य जो कारण है वो क्या होता है, उसका एक टारगेट पर फोकस करना। ठीक है, यही मेंडल ने भी यहीं पर यही किया था, उन्होंने जो लक्षण की खोज की, जिस भी लक्षण की वो खोज करते गए, उन्होंने पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित किया अपना। ठीक है ना, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित किया उन्होंने, अपना ध्यान क्या किया, कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं लगाया, उन्होंने जिस चीज पर टारगेट किया सबसे पहले उसी को खोज की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, यानी कि जिस लक्षण में वो लग गए अध्ययन करने में, केवल उसी का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती हैं, कौन होते हैं, अभी मैंने बताया था एलोजोम, 23वां जोड़ा मानव नर का। ठीक है, एलोजोम। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। देखो मेंडल ने, आप जानते हो मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रयोग किस पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि उसने किस भाग का प्रयोग नहीं किया था, तो उन्होंने पत्तियों की आकृति का प्रयोग नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी। मटर के पौधे की लंबाई का प्रयोग किया था, बीज की आकृति का, फूलों के रंग का भी किया था, ठीक है, लेकिन पत्तियों की आकृति का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ठीक है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट जीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, युग्म निर्माण के लिए, युग्म निर्माण के समय दो, ये दो होगा भाई, दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। देखो जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है, यानी कि प्रत्येक जोड़े से एक गुणसूत्र लेती है, तभी तो जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, जीन क्या करते हैं, आपके अनुवांशिक लक्षणों का पता लगाते हैं, जीन से आपके अनुवांशिक लक्षणों का पता चलता है, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से किसी में से सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। आरंभ में पौधों पर, पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन, अगला क्या, केवल स्वनिषेचन किया गया था, अगला क्या, आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन किया गया था, उसके बाद पर निषेचन किया गया था, केवल पर निषेचन। देखो इसमें दो टर्म यूज हुए हैं, पर निषेचन और स्वनिषेचन। पर निषेचन है क्या, देखो मैं सीधा सा, यहां पर बात हो रही है पौधों की, मैं सीधा एग्जाम्पल आपको ह्यूमन का लेकर बताता हूं, महिला का, ठीक है। तो निषेचन देखो होता क्या है, जब कोई महिला गर्भवती नहीं होती तो क्या करते हैं, उनका जो ओवम होता है अंडाणु, उसको निकाल लिया जाता है और उसको जो मानव नर का स्पर्म होता है उसके साथ फर्टिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइज करने के बाद फिर उसको माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो यहां पर, और स्वनिषेचन क्या है, देखो ये तो हमने किया पर निषेचन, पर निषेचन, क्योंकि इसमें मानव का क्या शामिल हो गया, स्पर्म, ठीक है। लेकिन स्वनिषेचन क्या होता है, स्वतः ही फर्टिलाइज होना, ठीक है, अंडाणु का स्वतः ही फर्टिलाइज होना क्या कहलाता है, पर निषेचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृ मूल की हो सकती है, जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है, वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया जाता है, या किसमें वर्णित किया जाता है, बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल के प्रयोग के परिणाम में वर्णित किया जाता है, ठीक है, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो क्या क्या किसका किया था? मटर के पौधे का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संकर संस्करण संकरण खालिस्तान विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। कितने विशेषता वाले? तो दो, ऑप्शन नंबर दो। दो विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले दो पौधों का संकरण होता है, दो विभिन्न विशेषता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति वंशानुगति को नियंत्रित करता है? किसका करता है, कौन सा कण करता है? देखो करता तो है डीएनए, करता तो है डीएनए। यहां पर देखो केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए, पैतृक और मातृक डीएनए और प्रोटीन। करता तो है डीएनए, लेकिन किसका डीएनए? देखो डीएनए किसी का भी हो सकता है, पैतृक का भी और मातृक का भी, ऑप्शन नंबर मातृक का भी और पैतृक का भी, यानी कि माता का डीएनए भी हो सकता है और पिता का डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का डीएनए, मातृक और पैतृक। ठीक है, अच्छा माता और पिता दोनों का डीएनए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासित दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैंगनी फूल, इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अप्रभावी लक्षण है, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार छोटे और सफेद, ये जो लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था मेंडल के प्रयोग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झुर्रीदार छोटे और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंडल ने संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का एक बोने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया गया, पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? तो यह था 3:1। अब यहां पर अनुपात का मतलब क्या है, देखो जब इन्होंने क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध छोटा पौधा लिया, बोना पौधा, उनको क्या कराया, आपस में क्रॉस करा, उनको आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद जो पौधे उगे तो वो क्या थे, उनमें से ये मान सकते हो उन्होंने चार पौधे उगाए, चार में से तीन पौधे लंबे थे और एक पौधा क्या था, बोना था, यानी कि उसमें लक्षण लंबेपन के ज्यादा आए। ठीक है, तो उसी के आधार पर इन्हें आपात उसमें सॉरी अनुपात में बांट दिया गया, क्योंकि तीन पौधे लंबे थे और एक पौधा बोना था, इसी के आधार पर इन्हों 3:1 के अनुपात में बांट दिया गया था। ठीक है, तो समझ में आया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मों का प्रतिशत कितना होगा? वही अभी मैंने बताया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे, ये पौधे थे अभी लंबे पौधे और छोटे पौधे बोने पौधे, उनको क्या कराया गया था, क्रॉस कराया गया था, और अनुपात कितना था, 3:1। जब आप इसको परसेंटेज में बदलोगे तो ये होगा 75% और ये होगा 25%। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में पूछा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 25%।
मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? लिंग गुणसूत्रों के कितने होते हैं? एक युग्म। कौन सा युग्म? एलोजोम, 23वां जोड़ा, ठीक है, वही होता है लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ क्वेश्चनों के आंसर करके जरूर चले, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी क्या है और आपको अभी आने वाले एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने छोटे से परिवार को जितना अभी तक आपने सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, और अपनी इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू।